So thank you, Mavish, and thank you everyone for being here, and thank you Lightbox and Emerge for creating this opportunity. मेरा ख्याल इतनी informal talk में कुछ women day पे गया, मेरी अपनी company में भी celebrate हुआ, लेकिन मेरा ख्याल इतनी informal और इतनी realistic खुद ख्वातीन के ख़िलाफ़ तकरीर करके चली जाए बड़ा कम होता है ये. But it takes courage and it takes, you know, the experience and the understanding of the reality and its perspective in this world that leads to talking about women by a women against the women and for the women. और यहाँ पर इंटरनेशनल वुमेन डे को देख के मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, जिस तरह आपने भी कहा कि वुमेन डे को मेन को डीमेनाइज करके ना मनाएं. वुमेन डे इट्सेल्फ अपनी बहुत सारी डेप्थ रखता है, उस पर बात की जाए. मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, मुमताज़ मुफ्ती की किताब, जिसमें उन्होंने लिखा कि मर्द दुनिया की सबसे मज़लूम तरीन कौम है उस ज़माने में भी. और उन्होंने कहा कि आप देखें, वो बग़ैर किसी के कहे सुबह उठता है, दिन भर पत्थर तोड़ता है, पसीना बहाता है, नौकरी करता है, उसको कोई नहीं कहता, लेकिन उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी जगह पढ़ाए, अपनी बीवी के ख्वाब पूरे करे, अपनी बीवी बच्चों के लिए घर दे के दे, अपनी बेटी की बहुत अच्छी जगह शादी करे, और उसको ये किसी ने नहीं कहा होता. वो दिन भर दौड़ता है, भागता है, मेहनत करता है, थकता है, बस वो सिर्फ एक चीज़ मांगता है. वो कहते हैं, जब मैं घर आऊँ ना तो मुझे चौधरी समझो, मुझे रिकग्नाइज करो, और मैं तुम्हारे लिए दौड़ता रहूँगा. तो उस ज़माने में उन्होंने लिखा कि ख़वातीन तो नहीं, मर्द ज़्यादा मज़लूम है. और ये एक पर्सपेक्टिव है. और जिस तरह महावेश ने भी कहा, ये मैं बार बार कहता रहूँगा क्योंकि बहुत सारी बातें कह गई हैं, सो बेहतर है कि मैं उनको रिट्रिएट करता रहूँ. सो ये ज़ाहिर है, ये इम्पॉर्टेंट है ये बात कि ख़वातीन की जब एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सो मज़े की बात ये है कि वही ख़वातीन एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं जो माशाल्लाह ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं टू कम अप टू अ स्टेज एंड दे हैव द वर्ड्स एंड द एजुकेशन एंड द कॉन्फिडेंस एंड द गट्स एंड द ग्रिट टू से दीज थिंग्स. बदकिस्मती ये होती है कि हम एक दिन वुमेंस डे मनाते हैं, और अगर मैं कॉरपोरेट की बात करूँ, सो कॉरपोरेट में तो इट्स अ फोटो ऑप, इट्स टिकिंग द बॉक्स. यार मेरे यहाँ भी, मेरी कंपनी में भी, यू नो, वुमेंस डे हुआ था, तस्वीरें खींचेंगे. इट इज़ एन ओकेजन वेयर यू बाय स्टफ़, पिंक स्टफ़ फॉर वुमेन, चॉकलेट्स, कैंडीज, ड्रेसेस, कहीं बाहर का खाना. मेरी कंपनी में भी ये होता है. दिस व्हाट वी डू, वी मार्केट दिस इवेंट. इट्स अ बिहेवियर ऑफ टोकनिज्म कि ठीक है जी, हमने एक एक्टिविटी कर ली. मेरा अपना बिलीव ये है कि वुमेंस डे, येस इट शुड बी सेलिब्रेटेड, आई एम नॉट डिनाउंसिंग द वुमेंस डे, बिकॉज इट एटलीस्ट क्रिएट्स अ पॉइंट वेयर वी कैन गैदर एंड वी कैन टॉक अबाउट दिस फिनोमेना. कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, अगर वी आर एबल टू पुट अ स्मॉल डेंट समवेयर इन समवन्स माइंड सेट थ्रू एन इंटरवेंशन, सो इट हेल्प्स. सो वुमेन डे ज़रूर करना चाहिए. However, what I would like to always denounce is the way it has mean to become in our times, which is of course everything that you're doing on the name of Women's Day and actually not doing something for women. I normally speak against the word celebrating the Women's Day. Dekhiye, we celebrate something that has been accomplished, that we have achieved. Ek saal ho gaya, birthday achieve, ek saal achieve kar liya, so we are celebrating birthday. Wedding anniversary, other, you know, celebrations. Women's Day, it's still celebration in making. Perhaps we can observe a Women's Day. We should not celebrate it. Because when we say celebrate, we gather up all the women who have, mashallah, already become accomplished in their careers, and we do celebrate them. So that puts a meaning to it in a way. But in a larger context, jab hum apne पाकिस्तान में अपने अर्बन एरिया से निकल के पीछे जाते हैं, सो वी गेट टू नो कि यार सेलिब्रेशन तो अभी बहुत दूर है. मोस्टली हमारे यहाँ जो वुमेंस डे हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न वेज. आपने भी यहाँ देखा, उन्होंने जितनी बातें की हैं सब वेस्ट की ख़वातीन की बातें हैं. हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ के ख़वातीन के मामलात, मसाइल एम्पावरमेंट के बहुत मुख्तलिफ हैं. मेरे घर में एक मेड काम करती है, मेरी बेगम ने एक दिन उससे पूछा कि भाई तुम कितने घरों में जाती हो, तो कहेंगी बाजी 5 या 6 घरों में जाती हूँ. तो कहेंगे अच्छा, बात ख़त्म हो गई. कुछ देर बाद उसका मियाँ आया, तो मेरी बेगम ने उससे पूछा कि भई ये इतनी जगहों पे काम करती है, तो तुम क्यों नहीं काम करते. वो कहेंगे कि जी वो किसी एनजीओ के लिए किसी ज़माने में ड्राइवर था. तो कहेंगे जी वो मेरे मैंने अपनी बेगम को ना इम्पोर किया हुआ है. उन्होंने कहा इम्पोर क्या किया हुआ है. वो कहेंगे जी वो एक लफ्ज़ होता है इम्पोर, वो हम बड़ा उस पर बात करते थे.
तो हमने कहा इम्पोर, तो हमारे यहाँ दो तीन दिन ये डिस्कशन होती रही कि इम्पोर क्या किया हुआ है, तो गूगल पे भी नहीं मिला हमें इम्पोर। फिर उसको जब कुछ देर बाद फिर मिले, उससे कहा भाई तुमने क्या कहा था इम्पोर किया, वो कहेंगे जी जिसमें ख़वातीन को आज़ादी देते हैं ना, मैंने हमने ओ हमने कहा अच्छा एम्पावर किया हुआ है, तो कहेंगे जी ये काम करती है सारा जाके, तो हमने कहा तुम क्यों नहीं करते, कहेंगे जी मुझे डॉक्टर ने वज़न उठाने से मना किया। तो उन्होंने कहा वो जो छः बच्चे हैं उनका वज़न कौन उठाएगा, वो कहेंगे जी ये एम्पोर है ना, ये काम करती है सारा। तो वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्टेक्स्ट वहाँ बहुत डिफरेंट है, हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट है, और शहरों में भी ये होता चला जा रहा है। सो इसलिए वुमेन डे में मेरा ख्याल जो हम बात करते हैं सेलिब्रेटिंग वुमेन्स डे, आई थिंक वी नीड टू थिंक बियॉन्ड सेलिब्रेटिंग द वुमेन्स डे। मैंने पिछली बार जब कंपनी में वुमेन्स डे हुआ तो मैंने उसमें कहा कि वी हैव टू थिंक बियॉन्ड द पिंक, क्योंकि ये जो सारी जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं ना, इट्स नथिंग बट यू नो वी आर ओवर डोजिंग अ डे एंड नथिंग मोर देन दैट, सो लेट्स डू समथिंग इन प्रैक्टिकल वेज। वो कहते हैं ना कि वो क्या कहा जाता है कि द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज़ इन ईटिंग। सो हमने कहा कि हम अपने यहाँ लेट्स डू समथिंग दैट एक्चुअली वर्थ समथिंग। सो ऑर्गेनाइजेशन में मैं ज़रा सा तारुफ भी साथ दे दूँ, आई रिप्रेजेंट मास्टर ग्रुप ऑफ कंपनीज, हमारी वी आर इनटू 10 डिफरेंट बिजनेसेस, द मोस्ट नोन इज़ मास्टर मल्टीफोम। वी नॉर्मली से दैट among the audience 77% of the audience has woken up on a master multiform today, because this is the market size that we enjoy. So bahut se log haath khada karte ho, kehte nahi it's not only the foam, it's the pillow or it's the fala or it's the all of the things, and there are other industries also like wind, textile, automotive. So hamari har company mein women's day celebrate hota hai, manaya jata hai. हमने भी जब पिछली दफ़ा सब कंपनीज़ की तरह मनाया, ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द बैंड वैगन, सो हमने भी उसको सेलिब्रेट किया, बट वी गॉट इन टू अ डिस्कशन कि वॉट वी कुड डू बियॉन्ड दैट। सो पिछले साल ये हुआ कि वॉट वी कैन डू दैट इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू डू, सो वी एडेड 30 डेज टू द मैटरनिटी लीव। हमने कोई बड़ी कोई तोप नहीं चलाई ये करके, बट वी टुक प्रिविलेज के यार यू नो हाउ मेनी कंपनीज डू दिस, सो एटलीस्ट वी हैव बीन एबल टू एड अ मंथ। जब एक साल और गुजरा तो हमने कहा कि अच्छा वो तो हो गया, अब और क्या करें, वो तो कुछ भी नहीं था। तो फिर देन वी केम अप विद एन आइडिया कि हमारे यहाँ जैसे जैसे नई यू नो बच्चियाँ आ रही हैं, ख़वातीन आ रही हैं, तो मे बी देयर विल बी अ टाइम व्हेन परहैप्स विल बी नीडिंग अ बेबी डे केयर सेंटर। सो हमारे यहाँ दो तीन ख़वातीन जो अभी सीक्रेटली थी उस प्रोसेस में, दे रेज देयर हैंड, दे सेड कि सर वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये तो आप करें। सो हमने कहा चले ठीक है, लेट्स वर्क ऑन दैट। So last year we were able to establish a very small baby daycare center, and just after 3 months the very first mother, she became the guest with her baby in that baby daycare center, aur wo uski inauguration ho gayi. Uske kuch arse baad phir humne kaha ki now what's next, ye bhi ho gaya ab kya kare. So humne ek aur difference ye create kiya ki humne kaha chale hum aisa karte hain ki hum inko privilege dete hain ki jab aap office aaye तो अपने साथ को मेड भी लेकर आएँ, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ऑफिस आती हैं एज अ वर्किंग मदर, यू टेंड टू कीप ऑन गोइंग बैक एंड फोर्थ। अच्छा वो लैपटॉप लेके वहाँ चले गए, फिर वापस आ गए, सो ना आप ऑफिस में कंसंट्रेट कर पा रहे हैं ना बच्चे पे कर पा रहे हैं। सो फिर हमने कहा चले मैं काम करते हैं, हम मेड अलाउ करते हैं, लेकिन मेड अगर कोई लाएगी तो उसकी ज़ाहिर पैसे होंगे जो उसको देने पड़ेंगे, सो वी इंट्रोड्यूस अ मेड अलाउंस ऑल्सो। और हमने कहा चलें ये भी हम फैसिलिटेट करते हैं, सो एक और हमने स्टेप उसमें बढ़ाया आगे। फिर उसके बाद एक और स्टेप हमने ऐड किया, हमने कहा चलें टू एनकरेज वुमेन हम इनके लिए कम्यूट अलाउंस भी कुछ ऐड कर देते हैं, ताकि ये मेड को लाने में भी इनको आसानी होना शुरू हो जाए। सो जिसको देख के अब मर्दों ने कहना शुरू कर दिया कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग, सो अब ये सारा कुछ इधर ही होगा बिल्कुल। सो हमने ये ओपन इन्विटेशन दिए कि यार मैटरनिटी बेबी डे केयर सेंटर इज़ ओपन, इफ़ यू वुड लाइक टू अवेल इट अवेल इट। सो हाँ, तो जो आना चाहे आ जाए। हमने कहा कि भई अगर आप अपने बच्चे को लाना चाहें और अगर आपके यहाँ ये चैलेंज है, आप प्लीज़ ले आएँ। अगर आपकी बेगम भी प्रोफेशनल हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको लाएँ, ये दिखाएँ, उनसे कहें कर दें। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत छोटी सी अभी जगह है, हार्डली 3 or 4 बेबीज़ कैन बी अकोमोडेटेड, क्योंकि बिल्डिंग में इतना स्पेस नहीं था, बट एटलीस्ट वी स्टार्टेड ऑफ विद समथिंग। सो मुझे पता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन शायद इससे भी बेहतर कर रही हैं, बट इन ट्रू सेंस आई बिलीव दिस इज़ वॉट वी शुड थिंक ऑफ डूइंग एट द वुमेन्स डे, बिकॉज वी एज मैन देखें वी आर द बेस्ट अलाइड टू अ वुमेन। जिस तरह मावेश आपने भी कहा
कि ऑल्दो के वो कहते हैं कि मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस, सो दे टू आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैविंग देयर ओन माइंडसेट, ओन इंडिविजुअलिटीज, लेकिन दे कैन ओनली गेट एम्पावर्ड बाय हेल्पिंग ईच अदर आउट. सो मैन बीइंग एन अलाय टू द वुमेन कैन ओनली क्रिएट अ डिफरेंस. आई हैव बीन पर्सनली स्पीकिंग, आई हैव बीन अ ब्रदर टू थ्री सिस्टर्स, सो आई नो वट एम्पावरमेंट मीन्स. कहाँ अगर बिकॉज यू नो वट एवर प्रोफेशनल और वट एवर एजुकेटेड टॉक दैट आई डू इन माई ऑफिस एंड बैक एट होम, मैं कहूँ कि देखो यार यू आर एम्पावर्ड, आई एम योर अलाय, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, यार मेरे कल कपड़े धो देना ज़रा प्लीज़. सो आई एम बैक टू द बेसिक्स. हाँ, मैं इतना एम्पावर्ड कर दूँ कि वो कह के चलें यार मैं अपने कपड़े लॉन्ड्री कर रही हूँ ना, तो मैं भाई के कपड़े भी लॉन्ड्री कर दूँ. देन आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट देन आई वॉज ब्लेस्ड विथ थ्री डॉटर्स. सो द एम्पावरमेंट दैट स्टार्टेड विद माई सिस्टर्स नाउ हैव कम डाउन टू माई डॉटर्स. और आई अलॉन्ग विद माई वाइफ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड. मेरी बेगम बाय द वे नलका भी सही कर लेती हैं जब प्लम्बर नहीं मिलता, तो शी इज़ एम्पावर्ड टू दैट लेवल. बाज़ोगात होता है कहती हैं वो नहीं आया, मैंने खुद ही रेंच लेके खोल खा के, मैं कहता हूँ टपक तो नहीं रहा, कहती जाके देख लें आप, मुझ पर तो एतबार ही नहीं है आपको. और वाकई जब खोलता हूँ तो टपक नहीं रहा होता वो. सो एंड शी इज़ वेरी हैप्पी टू गेट दैट बर्डन बिकॉज शी फील्स कि ठीक है आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट. सो आई फील एज मैन दैट कम्स डाउन टू अस कि वट इंडिविजुअल डिफरेंसेज वी कैन क्रिएट इन आर होम्स, in our offices, by empowering our, even our mothers, our daughters, our sisters, our colleagues at offices. एक और बात जो वुमेंस डे के हवाले से अक्सर हम डिस्कस करते हैं या बात करते हैं वो ये है कि हमारे यहाँ स्पेशली जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं या हम ख़वातीन को आगे लाने की बात करते हैं, सो एक डिबेट जो जनरली कॉर्पोरेट सेक्टर में अब बहुत होने लगी है, स्पेशली मर्दों में बहुत होने लगी है, कि ये जो वुमेन डे है और वुमेन एम्पावरमेंट है, इट इज़ पर्सपेक्टिव की खैर बात है, यू मे डिसएग्री एंड यू शुड इफ़ यू डिसएग्री, इट इज़ गेटिंग अ बिट टू आउट ऑफ हैंड्स एट प्लेसेस. बिकॉज हो ये रहा है कि अब कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जिस तरह अभी फात से भी बात हो रही थी, मैन आर थ्रेटेंड इन मैनी एक्सटेंट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग प्रोफेशनल जॉब्स. अब इसकी वजह बहुत सारी ये भी हो सकती है कि ख़वातीन प्रोफेशन में आ रही हैं, इसकी वजह ये भी हो सकती है दे आर मोर कॉम्पिटेंट, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशंस एम्पावरमेंट और अपॉर्चुनिटी देने के हवाले से उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है. बट देर इज़ अ डिज़ीज़ दैट इज़ वेरी स्लोली ग्रेजुअली गेटिंग रूट्स इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, इज़ दैट विदाउट इवन लुकिंग एट द फैक्ट के यहाँ पर हमें जेंडर बैलेंस रखना ही रखना, दे आर वाउचिंग फॉर लेडीज़ एंड वुमेन टू गेट देम जॉब्स. आपको टिपिकल जॉब्स देख लें जो आपको नज़र आती हैं, एचआर की जॉब्स देख लें आपको उसमें ख़वातीन नज़र आएंगी, आप कस्टमर सर्विसेज की जॉब देख लें आपको ख़वातीन नज़र आएंगी, मार्केटिंग के अंदर नज़र आएंगी, एडवर्टाइजिंग में नज़र आएंगी. यस, ख़वातीन का एक वो सॉफ्ट साइड है जो उस प्रोफेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ये करना शुरू कर देंगे तो बैलेंस फिर मेंटेन नहीं रहेगा. सो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ फोरम्स पर यह डिस्कशन होना शुरू हो गई है कि दो वी से कि वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, बट वी शुडेंट से दैट वी आर बेंट टुवर्ड्स हायरिंग वुमेन. सो वुमेन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, येस, इफ दे आर कॉम्पिटेंट, दे आर स्किलफुल, दे हैव द इक्वल राइट टू कम्पीट फॉर एनी जॉब, रिगार्डलेस मार्केटिंग, रिगार्डलेस सेल्स, रिगार्डलेस अकाउंट्स और फाइनेंस, लेकिन सिर्फ उसको स्पेसिफिक ना करते. सो ये मैं समझता हूँ कि अब एक डिस्कशन है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर और आहिस्ता आहिस्ता इस पर बात भी हो रही है, लेकिन इस वक्त वी आर सो मच इन्वॉल्व्ड इन सेलिब्रेटिंग वुमेन एंड मेकिंग देम एम्पावर्ड दैट मे बी वी आर नॉट गिविंग एप्ट फोकस ऑन दैट, जिससे एक प्रॉब्लम अब ये क्रिएट हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी जॉब्स जहाँ पर जब वो सपोर्ट हटती है जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर ऑर्गेनाइजेशंस ख़वातीन को देती हैं, तो उस जॉब को करने में उन्हें स्ट्रगल होती है. फॉर एग्जांपल अभी कस्टमर सर्विस में पिछले दिनों एक नाराज़ कस्टमर कहीं से ढूंढते हुए पहुंच गए, और व्हेन द डिबेट, पहले तो खातून गई बेचारी, उनको पहले भेजा कि यार ये तुम्हें देख के तो इज्जत से बात करेगा, थोड़ा काम डाउन हो जाएगा, लेकिन द कस्टमर वो सो एंग्री कि वो ही डिडंट स्टॉप, और जब वो बिल्कुल हत्ते से हर चीज़ उखड़ गई तो फिर जाहिर है फिर वो ख़वातीन को पीछे कर दिया गया और फिर मर्द आगे आ गए. आई वॉज इन्वाइटेड ऑल्सो, मैंने कहा नहीं मैं क्यों जा रहा हूँ, मैनेजर कस्टमर सर्विस भेजें ना आप, शी शुड गो एंड हैंडल. कहेंगे नहीं कस्टमर का बहुत ज़्यादा ही इज़ आउट, तो मैंने कहा सो वॉट, आउट तो आउट, सही है भेजो उनको, उनसे क्या हैंडल करूँ ना यार, दैट इज़ योर प्रोफेशनल जॉब. अच्छा, दैट लेडी वॉज ऑल्सो विलिंग टू गो, ऐसी बात नहीं थी, उसने कहा मैं ऐसी क्या बात है, बदतमीजी कैसे कर रहे हैं,
बट आर मेल शोविनिज्म केम इन एंड वी सेड कि नहीं नहीं आप तो मैडम आप पीछे बैठे हैं, हम देखते हैं ना इसको. सो हाँ, ये बाजी भी एक बड़ा चक्कर है हमारे यहाँ. पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ हर पराई बाजी पे हमारी नज़र होती है. सो माजरत के साथ, लेकिन ये जो बाजी है ना चक्कर, ये बड़ा इस पर हम, बाई द वे आई एम राइटिंग एन आर्टिकल, आई नो ओकेजनली राइट ऑल्सो इन न्यूज़पेपर्स. सो वेन इट कम्स, इफ़ इट गेट्स पब्लिश्ड, नो बडी गेट्स ऑफेंडेड, तो फिर आई श्योरली शेयर. जस्ट टू एंड माई टॉक, आप जब ये दिखा रही थी तो मुझे वीडियो में मुझे एक फराज का एक शेर बड़ा याद आ रहा था, और बड़ा मैं समझ रहा हूँ रेलिवेंट है शायद, तो बता देता हूँ, आप लोग डिसाइड करेंगे रेलिवेंट है या नहीं है. नज़म तो बहुत लंबी है, लेकिन खैर उसका एक शेर ये है कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते. उसकी वो जाने उसे पासे वफा था या ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते. सो जो हम निभा सकते हैं एज मैन, जो डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं, वो हमें अपने एंड पे अपने घरों में अपने दफातर में अपने नेबरहुड में करना चाहिए. बिकॉज दिस वुमेन एम्पावरमेंट कैन ओनली बिकम अ रियलिटी इफ़ वी एम्पावर देम एज ब्रदर्स एज फादर्स एज सन्स. थैंक यू वेरी मच. वी कैन ऑफकोर्स